वेलकम बैक क्लास सेवेंथ। हमने चैप्टर नंबर थ्री शुरू कर दिया था और चैप्टर नंबर थ्री में एक्सरसाइज 3A भी कंप्लीट हुई थी। उसके बाद हमने देखा था कंपैरिजन, ग्रेटर देन लेस देन और रेशनल नंबर्स के बीच के रेशनल नंबर निकालना। हो सकता है आपको वो क्लियरली अंडरस्टैंडेबल ना हुए हों, तो अब हम जब एक्सरसाइज करेंगे तब आप समझ लेना कि कौन से क्वेश्चन को कैसे परफॉर्म करना है। सबसे पहली चीज है इसमें 3A में क्वेश्चन नंबर वन, आपको कंपैरिजन करना है, फिल इन द ब्लॉक्स, फिल इन द ब्लैंक्स विद ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल्स टू, इनसे फिल करना है। अब क्वेश्चन नंबर वन देखेंगे, -7/5 और -5/4, इन दोनों में कंपैरिजन करना है आपको। अब कंपैरिजन के लिए हम क्या करेंगे, हमने देखा था कि बेस सेम कर दो, या तो है ना, बेस सेम कर देने से हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो रहा था। लेकिन देखिए, जब हम बेस सेम करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है, ठीक है, फिर उसके बाद पूरा मल्टीप्लीकेशन करना पड़ता है। इससे इजी ऑप्शन ये है कि आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं मैं बताती हूँ आपको, -7/5 है या -5/4 है, ऐसे और ऐसे, ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको इससे इंटू 4, ठीक है, और इसको इससे -5/5, ठीक है। आप देखिए, जो पार्ट बड़ा होगा ये क्या हो गया -28, ये क्या हो गया -25, तो -25 इज ग्रेटर, मतलब 5/4 इज ग्रेटर देन -7/5, तो यहां क्या लिखेंगे, -7/5 इज स्मॉलर देन -5/4, ठीक है, क्लियर। ये हो गया हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, यहां पर ही कंपैरिजन भी हो जाएगा आपका, 0 -5/4। अब देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा था कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज होंगी तो डायरेक्टली खुद ही से पता कर लेना कि पॉजिटिव वैल्यू बड़ी होगी। अब देखिए, नंबर लाइन पर -5/4 इधर आता है, फिर -4/4, -3/4, -2/4, माइनस, ठीक है, ऐसे करते करते यहां पर आकर के जीरो आता है। तो बड़ा कौन सा होता है, राइट साइड वाला, तो यहां पर ये सीधे सीधे बड़ा हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी, 3/-8, -3/8, आप देखिए ये दोनों क्वेश्चन ही कैसे सॉल्व हो रहे हैं, इसमें हम सिर्फ माइनस मूव किया है, ऊपर नीचे किया है, तो दोनों इक्वल हो गए। माइनस ऊपर हो, न्यूमरेटर पर हो या डिनोमिनेटर पर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों इक्वल ही होते हैं, ठीक है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर डी, पार्ट नंबर डी देखेंगे, -5/9 एंड 6/-10, अब इनको देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होगा, -5/9 एंड 6/-10, तो ये क्या हो गया -5 × -10, और यहां पर हमें बताना है कौन सा बड़ा है, 6 × 9, 9 × 6 = 54, 10 × 5 = 50 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहां पर कौन सा बड़ा है, ये वाला पार्ट बड़ा है, तो -5/9 इज स्मॉलर देन 6/-10, आंसर क्लियर। ये हो गया ए बी सी डी, चारों सॉल्व हो गए। अब हम देखेंगे नेक्स्ट ई एंड एफ,
माइनस फोर बाय फाइव एंड माइनस सिक्स बाय सेवन। आप देखिए फिर से मल्टी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये इजी है आपके लिए भी इजी पड़ेगा। क्या होगा, माइनस फोर इंटू सेवन माइनस सिक्स इंटू फाइव, ये क्या हो गया माइनस थर्टी, ये क्या हो गया माइनस ट्वेंटी एट। कौन सा बड़ा है, माइनस का ट्वेंटी एट बड़ा है माइनस के थर्टी से, तो क्या हो गया माइनस फोर बाय फाइव इज ग्रेटर देन माइनस सिक्स बाय सेवन। यू गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर एफ देखेंगे, माइनस फोर बाय सेवन एंड टू बाय थ्री, ये एक नेगेटिव नंबर है ये एक पॉजिटिव नंबर है, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव नंबर बड़ा होगा, सीधे सीधे ही हमने फाइंड आउट कर लिया, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप सॉल्व करेंगे तब भी टू बाय थ्री बड़ा आएगा, लेकिन हमें यहाँ डायरेक्टली पता चल रहा है कि एक पॉजिटिव नंबर है, तो हम इसे डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे। क्लियर, ये क्वेश्चन नंबर वन हो गया। फाइंड फाइव रेशनल नंबर्स बिटवीन माइनस वन एंड टू, ठीक है, माइनस वन एंड टू के बीच में हमें फाइव रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। अब आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहां पर ही थोड़े से ये ट्रिकी हैं, ठीक है। अब आप वापस से वही चीज रिपीट करूंगी मैं, आप उसे अच्छे से समझ लीजिएगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। फाइंड फाइव रेशनल नंबर्स, पांच रेशनल नंबर फाइंड करने हैं इन नंबर्स के बीच में, वन एंड टू। अब देखिए वन एंड टू के बीच में हमें फाइव रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, तो पहले फाइव रेशनल नंबर्स निकलेंगे भी नहीं निकलेंगे ये चेक करना पड़ेगा हमें। टू माइनस माइनस वन, ऐसे ही चेक करते हैं हम, क्या हो गया ये थ्री, टू प्लस वन थ्री हो गया। अब थ्री रेशनल नंबर से टू रेशनल नंबर से निकल रहे हैं, इसमें जितना आंसर आता है उसमें से माइनस वन करते करके निकलते हैं ना, तो फाइव रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए हमें कम से कम यहाँ डिफरेंस होना चाहिए सिक्स, ठीक है, तब जाके फाइव रेशनल नंबर हमें मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, माइनस वन में टू मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर में भी टू। देखो माइनस वन को कैसे लिख सकते हैं, माइनस वन अपॉन वन, टू को कैसे लिख सकते हैं, टू अपॉन वन, राइट, यहां लिखते हैं टू अपॉन वन। अब इन दोनों में टू का मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, ये क्या बन गया माइनस टू अपॉन टू, यहां क्या बना फोर अपॉन टू, ठीक है। अब इनके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर का डिफरेंस फाइंड करेंगे, ठीक है, फोर माइनस माइनस टू क्या बना सिक्स, मतलब यहां से फाइंड हो जाएगा हमारे फाइव रेशनल नंबर्स। तो पहले हम क्या करेंगे, इस तरह से वैल्यू को कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अब वैल्यू कन्वर्ट होके हमारे पास हो गई माइनस टू बाय टू एंड फोर बाय टू, ठीक है। अब इनका वही सम करके देखा, माइनस माइनस टू तो क्या आया सिक्स, मतलब यहां फाइंड हो जाएंगे, यहां हमारे रेशनल नंबर्स कैलकुलेट हो जाएंगे। फाइव रेशनल नंबर्स चाहिए ना हमें, वो इजीली यहां पर हमें मिल जाएंगे। अब फाइव रेशनल नंबर्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, ये नंबर लाइन हमारी है माइनस टू बाय टू, यहां से लेकर के फाइंड करना है माइनस वन बाय टू, जीरो वन बाय टू, टू बाय टू, थ्री बाय टू एंड फोर बाय टू, यहां तक इसके बीच में आ गए वन टू थ्री फोर फाइव, ये हो गए हमारे आंसर। क्या हो गया हमारा आंसर, माइनस वन बाय टू, जीरो वन बाय टू, टू बाय टू, थ्री बाय टू, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है।
क्लियर? आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, नंबर लाइन बनाने की जरूरत नहीं हो अगर आपको ना लगे तो। यहाँ से इधर उल्टे चलते जाएंगे, माइनस वन बाय टू, जीरो, वन बाय टू, टू बाय टू, थ्री बाय टू, फोर बाय टू, हो गए बीच में पांच नंबर, इनको हम लिख लेंगे, ठीक है? ओके, अब सेकेंड क्वेश्चन है, वन बाय टू एंड टू बाय थ्री के बीच में हमें फाइव रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, ठीक है? तो पहले तो डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा हमें, वन बाय टू एंड माइनस टू बाय थ्री है, सॉरी। ओके, माइनस टू बाय थ्री नहीं है, टू बाय थ्री है। आप देखिए, पहले तो हम इसका बेस सेम करेंगे, ठीक है? एलसीएम में क्या आया हमारे पास, सिक्स, इसको हमने सिक्स बनाया, थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तभी सिक्स बनेगा, तो ये हो गया थ्री बाय सिक्स। टू बाय थ्री को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि यहां पर नीचे सिक्स बने डिनोमिनेटर में, टू से, तो ये हो गया फोर बाय सिक्स, ठीक है? ओके, अब ये हमारे पास हो गई वैल्यू, थ्री बाय सिक्स एंड फोर बाय सिक्स। माइनस करेंगे तो वो सिर्फ एक एक भी वैल्यू नहीं आ रही, ठीक है? इनका बीच का एरिया फाइंड करने के लिए हमें इसको मल्टीप्लाई करना होगा। आप देखिए, मल्टीप्लाई किससे करें कि हमें पांच नंबर्स मिल जाएं, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट टेन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना? इसमें हमें कितने, ये फोर्टी हो जाएगा, इंटू टेन इंटू टेन, ये हो गया फोर्टी बाय सिक्सटी। यहां पर इजीली 10 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब 9 रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं हम यहां पर। हमें 5 चाहिए तो हम इनमें से 5 निकाल लेंगे। 30 बाय 60 के बाद से कितना शुरू होगा, 30, 1 बाय 60, 32 बाय 60, 33 बाय 60, 34 बाय 60, 35 बाय 60, 36 बाय 60। हमें कितने चाहिए, पांच चाहिए, वन टू थ्री फोर फाइव, यहां से ले लेंगे हम 31 बाय 60 से 35 बाय 60 तक। तो आंसर क्या हो गया हमारा, 31 बाय 60 कॉमा 32 बाय 60 कॉमा 33 बाय 60 कॉमा 34 बाय 60 कॉमा 35 बाय 60, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है? हमने पहले क्या किया, बेस सेम किया दोनों का, ठीक है? मल्टीप्लाई कर दिया एलसीएम लेकर, राइट? उसके बाद हमने क्या किया, दो वैल्यू आ गई, थ्री बाय सिक्स एंड फोर बाय सिक्स। अब इनको रेशनल नंबर्स फाइंड करने के लिए इनमें बीच में गैप ही नहीं है, यहां पर तो रेशनल नंबर फाइंड ही नहीं हो रहा, तो हमने क्या किया, इनको दोनों को टेन से मल्टीप्लाई कर दिया। थर्टी बाय सिक्सटी एंड फोर्टी बाय सिक्सटी के बीच में कितने रेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं हम, नाइन रेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। तो नाइन रेशनल नंबर्स में से कोई से भी फाइव हम लिख देंगे, हमने ये लिख दिया आंसर्स, ठीक है? नाउ माइनस फोर बाय फाइव एंड वन बाय थ्री, माइनस फोर बाय फाइव एंड वन बाय थ्री, इसको सॉल्व करना है हमें, ठीक है? अब सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करेंगे, एलसीएम क्या आया, फिफ्टीन। 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 15 आए, 3 से, तो माइनस फोर को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 12 बाय 15 हो गया। इधर इधर देखिए, 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 15 आए, 5 से, तो ऊपर वाले को भी, ऊपर न्यूमरेटर को भी हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप देखिए, वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस 12 बाय 15 एंड 5 बाय 15, ये हमारा हो गया अब क्वेश्चन। इसकी जगह हमने ये बना लिया, ठीक है, बेस सेम बना करके। अब यहां पर देखिए, 5 माइनस माइनस 12 कितने बन रहे हैं, 17।
17 नंबर आ रहा है, मतलब 16 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट हो सकते हैं। तो ठीक है, आप देखिए माइनस 12/15 इधर क्या आएगा, माइनस 11/15, माइनस 10/15, माइनस 9/15 एंड सो ऑन करके ये हो जाएगा 5/15 तक। हमें सिर्फ 5 रेशनल नंबर चाहिए तो हम यहाँ से ले लेंगे 1, 2, 3 और यहाँ पर माइनस 8/15 एंड माइनस 7/15, ये 5 डिजिट हमने ले लिए। यहाँ पर लिख देंगे आंसर माइनस 11/15, माइनस 10/15, माइनस 9/15, माइनस 8/15 एंड माइनस 7/15। ये हो गया हमारा आंसर 5 डिजिट्स के नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी, -1 और 0 इन दोनों के बीच में फाइंड करना है। अब -1 और 0 के बीच में डायरेक्ट तो रेशनल नंबर कोई निकलेगा नहीं, हमको इनके नीचे बेस बनाना होगा, (2)(2) -1/1, ठीक है, और ये क्या हो गया 0/1। ओके, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये बन गया हमारा बेस, ठीक है। अब हमारे पास डिजिट हो गई -1/1 और 0/1। अब इसमें 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं हमें, तो हम इसमें 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, यहां हो गया -6/6 और यहां 6 मल्टीप्लाई किया तो 0/6। आप देखिए -6/6 से -5/6, -4/6, -3/6, -2/6, -1/6 एंड 0/6। ये हो गए, ये आ गए 5 नंबर हमारे बीच में, ये हो गए हमारे आंसर। क्लियर, ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर डी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है क्वेश्चन नंबर 3 में। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, 4/3 -5/6, 4/3 -5/6 एंड -7/-12। ये है हमारा क्वेश्चन। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा नंबर कहां रखना है, तो हम क्या करते हैं, अब यहां पर 3 के कंपैरिजन में हम क्या करेंगे, कैसे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है पता करने के लिए, यहां पर हम लेंगे एलसीएम, बेस करेंगे सेम, बेस सेम होने के बाद इजीली हमें पता चल जाता है एलसीएम ऑफ 3, 6 और 12 क्या होगा, 12। यहां देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा वैसे भी, ठीक है, एलसीएम लिया हमने 12, तो 4/3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 12/3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 बने 4, ये हो गया 16/12, ये फर्स्ट वाला पार्ट, ठीक है। अब ये देखिए -5/6, इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि डिनोमिनेटर 12 बने 2, ये हो गया -10/12। थर्ड वाला पार्ट देखिए -7/-12, इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 12 बने 1, ठीक है। आप देखिए हमारे पास ये 3 डिजिट हो गई, आप देखिए इनमें से सबसे छोटा कौन सा पार्ट है,
माइनस 10/12 सबसे छोटा, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है ना हमें, ये सबसे छोटा है। फिर देखिए 16, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7 बड़ा है या 16 बड़ा है, ओ 7 छोटा है या 16 छोटा है, 7 छोटा है, 7/12 एंड देन 16/12, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, कैसे फाइंड आउट किया हमने, पहले एलसीएम लिया, तीनों वैल्यूज को डिनोमिनेटर को सेम बनाया, 12 एलसीएम आया, 12 को एलसीएम लेकर के हमने इनको इंटरचेंज कर दिया। भाई डिनोमिनेटर सेम रखना है ना, डिनोमिनेटर सेम रखने के लिए आप क्या करोगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई, इसमें वो चीज मल्टीप्लाई करोगे जिससे कि डिनोमिनेटर 12 बन जाए। 3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि डिनोमिनेटर 12 बन जाए, 4। 6 में क्या करेंगे, 2। 12 में खुद में क्या करेंगे, 1। नेक्स्ट इज -4/9, कॉमा 4/-12, -2/3। ठीक है, ये हो गया हमारा बी सेक्शन। आप देखिए इसमें हम क्या करेंगे, फिर से एलसीएम फाइंड करेंगे, एलसीएम आया 9, 12 एंड 3 का 36, एलसीएम क्या आया 36। आप लोग जैसे एलसीएम फाइंड करते हो वैसे कर लेना, 9, 12 एंड 3, 3 टाइम्स हो गया, फिर से 3 टाइम्स और फिर 2 टाइम्स, फिर से 2 टाइम्स, 1, 1, 1। ठीक है, 4 into 3, 12, 12 टू 12 3 जा 36, हो गया एलसीएम 36। आप देखिए 9 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि एलसीएम 36, 9 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 4, ऊपर भी 4। ठीक है, ये फर्स्ट वैल्यू कन्वर्ट हो गई। 12 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 3। 36 बनाना है ना हमें, 12 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 36 आए, 3 मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड है हमारा -2/3। अब 3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 36 आए वैल्यू, 3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 12, तो यहां पर भी ये हो गए हमारी तीन वैल्यूज। अब देखिए सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी, माइनस का बड़ा वाला नंबर, ये सबसे छोटा है, फिर माइनस का 16 एंड देन 12/36, ये हो गया हमारा आंसर। ओके, वी आर हियर, वी ऑल्सो हैव माइनस, तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या बनेगा, माइनस का 12। ओके सॉरी, हाँ तब भी ये ऐसे ही आएगा, वैल्यू तो ऐसे आएगी, यहाँ -12 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आया, -2/3 इज स्मॉलर देन, फिर क्या है, 16/4, -4/9, देन 12 वाला पार्ट कौन सा है, 4/-12, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, क्लियर, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर सी। -2/7, कॉमा 4/-12, सॉरी -2/4 एंड -2/5।
आप देखिए यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारा क्या बनेगा 140, कैसे बना? टू टाइम्स, ये सब सेम चलता रहेगा, फिर से टू टाइम्स 15, फिर 5 टाइम्स, फिर 7 टाइम्स 111, क्लियर? 7 5 जा 35, 35 इंटू 2 70, 70 इंटू 2 140, तो एलसीएम क्या है हमारे पास 140। ठीक है, माइनस 2 बाय 7 को कन्वर्ट करेंगे, 140 आना चाहिए ना डिनोमिनेटर हमारा, 7 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 20, यहाँ पर भी 20, माइनस का 40। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस 2 बाय 4 को देखेंगे, कन्वर्ट करेंगे, क्या हो गया यहाँ पर, माइनस 2 बाय 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा 35 से, ये हो गया माइनस 70 अपॉन 140। थर्ड है हमारा माइनस 2 बाय 5। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, से दोनों 28 से मल्टीप्लाई होंगे, 28 से मल्टीप्लाई होने पर यहां आ गया माइनस 56। आप देखिए इनमें से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, माइनस 70 बाय 140, दिस इज स्मॉलेस्ट, फिर क्या है माइनस 56 बाय 140, और फिर क्या है माइनस 40 बाय 140। ठीक है, सबसे बड़ी वैल्यू ये हो गई। अब देखिए असेंडिंग ऑर्डर में फर्स्ट हुआ हमारा 70, माइनस 2 बाय 4, इसी की वैल्यू थी ना ये, तो माइनस 2 बाय 4 लिख दिया सबसे पहले, फिर ये 56, 56 की वैल्यू क्या है माइनस 2 बाय 5, फिर माइनस 40, माइनस 40 की वैल्यू क्या है माइनस 2 बाय 7, इस वाले पार्ट की वैल्यू क्या है, ये वाला ही तो यहाँ है, ये वाला यहाँ है, ये सेकेंड नंबर और ये थर्ड नंबर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, नेक्स्ट डे हम क्वेश्चन नंबर 4 से आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू क्लास।